हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज हम एक नए वीडियो के साथ में आए हैं और वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें। तो दोस्तों वीडियो का जो टाइटल है वो है बेस्ट सेटअप फॉर पोजिशनल ट्रेड एज़ वेल एज़ फॉर डायरेक्शनल ट्रेड। दोस्तों तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो, पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर प्राइस एक्शन फॉलो करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ हमको ये पता चल जाएगा इस वीडियो के अंदर कि हमको बाई करना है या सेल करना है, ये हमको एग्जैक्टली यहाँ पता चल जाएगा इस वीडियो के थ्रू। और दूसरा हमको ये पता चलेगा कि कब हमें स्टॉक में एंटर होना है, या फिर हम इंडेक्स को आप देख सकते हैं कि इंडेक्स में कब हमको ऑप्शंस में ट्रेड करना होगा, फ्यूचर्स में ट्रेड करना होगा, कमोडिटी में ट्रेड करना होगा, तो हमको एंट्री एंड एग्जिट यहाँ पर पता चल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों याद रखिए इसका जो टाइम फ्रेम है वो 1 आवर का है, तो ट्रेड लेने के लिए आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, बस आपको ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, बीच में स्किप ना करें प्लीज़, ठीक है दोस्तों। और अगर आपके पास में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जीरोधा में भी अकाउंट ओपन कर सकते हो, अलाइज ब्लू में भी अकाउंट ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपनिंग टोटली फ्री है अलाइज ब्लू में, तो आप वहाँ भी अकाउंट ओपन कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों एक इंडिकेटर, पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इंडिकेटर का नाम बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ देखिए। देखिए दोस्तों जब भी आप यहाँ पर ये जो ग्रीन एरिया दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, यहाँ आपको ट्रेड में बने रहना है दोस्तों। जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपको याद रखना है कि ये एरिया में आपको बने रहना है, आपको ट्रेड से बाहर नहीं आना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दूसरा, जब भी आपको ये रेड बार दिखाई दे, मतलब आपको जो भी आपने लॉन्ग पोजीशन लिया होगा उसे आपको ये एग्जिट कर देना है दोस्तों। देखिए ये एरिया, ठीक है, याद रखिए कि इस एरिया में आपको बाय नहीं करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, बाय नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, हमें दो जगह बाय नहीं करना है दोस्तों, एक देखिए ये पूरा एरिया और दूसरा ये पूरा एरिया, आपको यहाँ बाय नहीं करना है, यह है सेलिंग जोन। यहाँ से मार्केट टॉप आता है और टॉप से यहाँ पर बॉटम तक आएगा दोस्तों, तो यहाँ इस एरिया में हमको बाय नहीं करना है, प्लीज़ ध्यान दीजिए, हमको यहाँ बाय नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हमारा बाइंग की शुरुआत होगी, ठीक है, बट वीडियो को ध्यान से देखिए, यहाँ से स्किप करके मत जाइए वीडियो, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए, वरना लास्ट में हमको प्रॉब्लम होगा कि हमारी एंट्री गलत हो जाएगी दोस्तों। तो ये जब बार आएगा हमारा, देखिए ये वाला बार जहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाले बार जब आने लग जाए तो आप समझ जाना कि अब आपका बाइंग स्टार्ट होगा, बट अभी आपको बाइंग नहीं करना है, बट आपको ध्यान देना है कि अब आपका बाइंग आ सकता है, क्योंकि आप ये माउंटेन जब देखोगे तो देखो ये माउंटेन कैसे हो रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, ये इसकी हाइट कम हो रही है माउंटेन की। देखिए यहाँ पर जब मार्केट गिर रहा था तो पूरे नीचे की तरफ गिरते जा रहा था, यहाँ से देखो माउंटेन बढ़ते चला जा रहा था, लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे तो माउंटेन कम होते जा रहा है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये कैंडल ऐसे आए लाइट रेड कैंडल, तो समझ जाना कि बाइंग का टाइम आ चुका है दोस्तों, अब यहाँ से ज़्यादा मार्केट नहीं गिर सकता अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर। बट हम लोग और डिटेल्स में जाएंगे कि हमारा एग्जैक्टली एंट्री पॉइंट कहाँ होना चाहिए, तो वेट कीजिए। दूसरा जो इंडिकेटर हमारा है, ठीक है, तो यहाँ देखिए, जब भी आपको ये एरिया दिखाई दे, ग्रीन एरिया दिख रहा है आपको ये ग्रीन एरिया, ठीक है, समझ जाना ये आपका बाइंग पॉइंट है दोस्तों। ये देखिए पूरा ग्रीन एरिया, ये आपका बाइंग पॉइंट होगा, बट कैसे बाय करना है वो हम देखेंगे अभी, तो आप ध्यान से देखिए वीडियो को। तो देखिए जब भी हमने नीचे इंडिकेटर में देखा, यहाँ पर लाइट रेड हो गया है, जब भी आपका ये देखिए ये ये जो कैंडल है हमारा वो हाइकनाशी है, और जब भी यहाँ पर ग्रीन कैंडल आता है, मैंने कलर चेंज किया इसे ब्लू कर दिया है, आप याद रखिए ये ग्रीन जोन में, ठीक है, जब भी पहला ग्रीन कैंडल आएगा, ठीक है, इसी के ऊपर आपको बाई करना है दोस्तों। ये देखिए एग्जैक्टली, ठीक है, इसी के ऊपर आपको बाई करना है, बट नीचे ये भी देख लीजिए, देखो ये माउंटेन धीरे धीरे क्या हो रहे, कम होते चले जा रहे दोस्तों। तो ये माउंटेन हमको इंडिकेट करता है कि हमारा बाइंग टाइम आने वाला है, हमें कहाँ पर लॉन्ग करना है, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही ग्रीन कैंडल ये ग्रीन एरिया में आएगा, जैसे ही फर्स्ट कैंडल जो भी होगा
उसके हाई के ऊपर आपको बाई करना है दोस्तों। बट रिमेंबर दोस्तों, आपको घाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का कैंडल है, तो आपसे कुछ भी चीज़ें मिस नहीं होगी। सो रिलैक्स रहिए, आपको घाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है। और अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ से अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करने के लिए कोशिश करोगे, ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करोगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ही जाएगा। देखो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, फिर यहाँ आप देख सकते हो, फिर यहाँ आप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देख सकते हो दोस्तों। और जैसे ही देखो यहाँ पर ये बार देखिए आप, ये रेड बार आ गया, और यहाँ आप देखिए, दिखाई दे रहा दोस्तों, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से मार्केट अब डाउन ट्रेंड में चला जाएगा दोस्तों। अब यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर एक रेड वाला, लाइट ग्रीन रेड जो भी आप कंसीडर करो, यहाँ से जैसे ही देखो डाउन साइड में आया, देखो यहाँ से माउंटेन भी धीरे धीरे कम हो रहा है और बाद में यहाँ पर देखो डाउन साइड जा रहा है, तो हमको क्लियरली पता चल जाएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। ये जो एरिया है ये हमारा कौन सा है, बेरिश जोन दोस्तों। अब यहाँ देखो आपको ब्लू कैंडल दिखाई देंगे, बट आपको यहाँ पर बाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो हमारा एरिया है वो कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है जहाँ हमको जाके बाई करना है दोस्तों। तो याद रखिए, ग्रीन कैंडल या फिर ब्लू कैंडल जहाँ भी बने वहाँ पर आपको बाई नहीं करना है। आपको कहाँ बाई करना है, ये ग्रीन एरिया में, ठीक है। अब ये देखो, ये कैंडल के ऊपर जो हाई रहेगा इसके ऊपर आप बाई कीजिए, ठीक है। ट्रेंड लाइन बना लीजिए, वेल एंड गुड फॉर यू। आप इजीली क्या कर सकते हो, इसमें एंट्री कर सकते हो और एग्जिट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अब हम डिटेल्स में जाएंगे कि हमने यहाँ पर कौन से इंडिकेटर यूज़ किए दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हो, हमारा सबसे पहला टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए दोस्तों, 1 आवर का टाइम फ्रेम होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। कैंडल हमारा होना चाहिए हाइकनाशी का, और इंडिकेटर जो हमारा होना चाहिए, हमारा इंडिकेटर यहाँ पर दो है, एक MACD ट्रेंड हीट मैप बाय चार्ट आर्ट और MACD 4C बाय वीक नो करके, ठीक है। आप ये चेक कर सकते हो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में। तो दोस्तों ये देखिए सबसे पहला सेटिंग इसका, ठीक है। सेटिंग को ध्यान दीजिए, इसमें आपको चेंजेस करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इनपुट्स में आपको क्या करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला फास्ट मूविंग एवरेज जो है उसका आपको नंबर रखना है 3, स्लो मूविंग एवरेज को रखना है 25 और सिग्नल को रखना है 10। ये जितने भी है इनको आपको टिक करके रखना है, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब हमारा जो आ रहा है वो है स्टाइल। अब स्टाइल में देखिए जितने भी यहाँ पर प्लॉट्स होंगे, बैकग्राउंड, ठीक है, जितने भी बैकग्राउंड बार कलर, बैकग्राउंड कलर बार कलर, सबको अनटिक करना है। खाली आपको सेकेंड नंबर जो है प्लॉट किया हुआ उसके ऊपर आपको टिक करना है, ठीक है दोस्तों। ये पहला पार्ट। दूसरा, यहाँ देखिए आपको यहाँ पर लाइन दिखेगा, लाइन की जगह पे आपको एरिया विद ब्रेक्स लेना है। क्लियर हो गया? आपको क्या करना है, एरिया विद ब्रेक्स लेना है। यहाँ जो कलर होगा इसको आपको थोड़ा लाइट कर देना है ताकि वो चार्ट एनोइंग ना लगे, कलर 0, और कलर 1 भी आपको क्या करना है, लाइट कर देना है थोड़ा, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये सबसे पहला पॉइंट है और इसको ओके कर देना है। इसके बाद में आपका जो दूसरा इंडिकेटर है वो है MACD 4C। तो यहाँ आप सेटिंग में देख लीजिए, इनपुट्स में आपको फास्ट मूविंग एवरेज 18 करना है, स्लो मूविंग एवरेज 25, सिग्नल लेंथ आपको 30 करना है। स्टाइल में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, विजिबिलिटी में भी आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। अगर ये सेटिंग आपको समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को एक बार वापस देखिए और स्लो करके देखिए। इंडिकेटर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने 2 इंडिकेटर यूज़ किया है, MACD ट्रेंड हीट मैप बाई चार्ट आर्ट, MACD 4C बाय वीक नो करके, ठीक है। आपको इजीली मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू में, और अब आप इसको कहीं भी अप्लाई करके देख सकते हो दोस्तों, और आप प्रीवियस भी देख सकते हो कि ये किस तरह काम करता है दोस्तों। अगर मैं यहाँ आपको बोलूँ तो आप एंट्री यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इसमें आपको एंट्री कभी रॉन्ग नहीं मिलेगी। स्ट्रैटेजी बहुत काम की है, सेटअप बहुत काम का है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, ये देखिए, ये ग्रीन एरिया में एक कैंडल बना ब्लू वाला, यहाँ आप देख सकते हो MACD चेंजेस आने लग गया, इसके हाई के ऊपर आप बाई करते, और यहाँ देखिए 746 पे आप बाई करते और आराम से 800 रुपीज़ तक इसका प्राइस चला गया है। और आप प्राइस एक्शन भी लगाते, ट्रेंड लाइन बनाते, तो भी ये अच्छे से काम करता था आपका, ठीक है दोस्तों। इसके पहले भी हम देख लेते चाहिए तो इसकी एंट्री कभी भी गलत नहीं होगी दोस्तों। यहाँ आप देखिए, यहाँ देखिए, जैसे ये ग्रीन जोन में आया इसके हाई के ऊपर आपने बाई किया
और यहाँ पर अगर आपने ट्रेंड लाइन भी बनाया तो भी आपको पता चल जाएगा एंट्री आपकी सही है। बस ये ग्रीन जोन में आने का आपको वेट करना होगा दोस्तों। अब ये एक स्टॉक के ऊपर नहीं, दूसरे स्टॉक के ऊपर भी काम करेगा, इंडेक्स में भी काम करेगा। अब इंडेक्स देख लेते हैं कि इंडेक्स कैसे चल रहा है इसमें। अब आप बैंक निफ्टी के शौकीन हो तो बैंक निफ्टी भी मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर बैंक निफ्टी चलेगा या बेरिश जोन में है या बुलिश जोन में है, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो देखो ये इंडिकेटर से हमको पता चल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर बैंक निफ्टी को, यहाँ पर देखिए इसके ऊपर हमको बाई करना था, ये कैंडल हमारा था ग्रीन जोन में आते, और यहाँ देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप देख सकते हो, अगर इसके यहाँ पर अगर बाई करते तो 38,472 और हाई देखिए यहाँ पर 39,230। तो आप सोच सकते हो कितने पॉइंट का डिफरेंसेस आ गया, यहाँ पर अराउंड 700 पॉइंट्स का डिफरेंस आ गया। तो अगर आपको पहले से पता चल जाए कि बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, या ऑप्शन में कॉल या पुट में आप एंटर कर सकते हो दोस्तों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंडिकेटर बहुत काम आएगा आपके। दूसरा, अगर आप सेटअप देखोगे तो निफ्टी का देख सकते हो, ठीक है। अब निफ्टी को भी अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ आपको पता चलेगा, देखिए ये कैंडल जो था इसके हाई के ऊपर आपको देखना था, देखिए, और हाई कितना है 745, मतलब 17,500 आप कंसीडर कीजिए, और निफ्टी यहाँ देखो कितना चला गया, 646 चला गया, मीन्स 150 पॉइंट का रैली हो चुका है, और ईजिली आप इसमें एंट्री कर सकते हो। और जैसे ही यहाँ पर देखिए एक रेड कैंडल और यहाँ पर एक देखो लाइट बार आएगा, तो आप यहां से एग्जिट कर सकते हो। आप ट्रेंड लाइन बना के भी उसके सपोर्ट ले सकते हो, कि ट्रेंड लाइन बनाने के बावजूद आपको समझ में आ जाएगा, या फिर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनाकर भी आप क्या कर सकते हो, इसमें इजीली ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। रही बात इस चीज की, ये हो गया हमारा इंडेक्स, एक हमने स्टॉक देख लिया। अगर आप चाहते हो कि ये कॉमोडिटी पे काम करता है नहीं करता है, तो आप कॉमोडिटी में भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर एक हो गया क्रूड ऑयल आपका, तो क्रूड ऑयल में भी आप देख सकते हो, इजीली आप एंटर कर सकते हो क्रूड ऑयल में। अब यहाँ देखिए क्रूड ऑयल के अंदर, ये देखिए अब क्रूड ऑयल में भी आप देखो यहाँ पर, ये जैसे यहाँ पर एक कैंडल बनता है ग्रीन जोन में, इसके हाई के ऊपर हमको बाई करना था। अगर आप ट्रेंड लाइन भी बनाते तो देखो दोस्तों आपको पता चल जाता था कि ये क्रूड ऑयल बेरिश जोन में है या बुलिश जोन में है। तो आप यहाँ पर भी अगर क्रूड ऑयल में लॉन्ग होते या फिर इसमें ऑप्शन में ट्रेड करते, तो यहाँ आप देख सकते हो 6953 तक आपका क्रूड गया हुआ है ऊपर, और हमारी एंट्री कहाँ होती थी 6591 पे या 6600 पे, तो 300 पॉइंट्स का आपको इजीली गेन मिल जाता दोस्तों। तो ये जो सेटअप है हमारा पोजिशनल वाला, वो बहुत अच्छा काम करता है, भले वो क्रूड ऑयल पे होने दो या अदर कॉमोडिटी पे होने दो, इंडेक्स पे होने दो या स्टॉक्स पे होने दो, ये बहुत अच्छा काम करेगा। बट याद रखिए ये जो हमारा सेटअप है वो पोजिशनल और डायरेक्शनल पर्पस के लिए है, इंट्राडे के लिए ये नहीं काम करेगा, ठीक है। और रीज़न यह है कि मैंने अभी तक इंट्राडे में इसे बैक टेस्ट नहीं किया है, बट पोजिशनल में ये अच्छा आपको रिजल्ट देगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको YouTube पर नहीं मिलेगा जल्दी, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई और वीडियो अपलोड करूं ऐसे ही, तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा दोस्तों। और चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हो दोस्तों, तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, और डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।